नमस्कार, मैं साहेब अली और आप देख रहे हैं livecity.in। नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है। मामला है बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में गायब हुई कॉपियों का। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, इस बारे में कोर्ट को सरकार को बताना चाहिए। गोपालगंज एसएस गर्ल्स प्लस टू स्कूल से मैट्रिक परीक्षा में 42,400 कॉपियों के गायब होने के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई को इस मामले में पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को दी जाए। साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की गई है, इसकी भी जानकारी कोर्ट को दी जाए। मालूम हो कि पिछले दिनों गोपालगंज के एसएस गर्ल्स प्लस टू स्कूल में, जो कि मूल्यांकन केंद्र था, उसमें मैट्रिक की 42,400 कॉपियां गायब पाई गई थी। बिहार बोर्ड का कहना है कि इससे छात्रों के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जो कि मैट्रिक के रिजल्ट आने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, बिहार बोर्ड ने इसकी डेट की भी घोषणा कर दी है। लेकिन इस बीच कॉपियों के न मिलने का जो सिलसिला है वो अभी बरकरार है। इस मामले में प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है। तो जाहिर है कि इस मामले में नीतीश सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। उधर सियासत भी खूब हो रही है बिहार बोर्ड में, जो मैट्रिक की कॉपियां जो गायब हुई उसको लेकर के। आपको बता दें कि गोपालगंज में जो एसएस बालिका विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, जो कि अभी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, उनके कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पिछले दिनों उनके यूपी आवास पर भी छापेमारी की थी एसआईटी की टीम ने। बात करें पटना के बिहार बोर्ड ऑफिस की, तो छात्रों का लगातार प्रदर्शन भी वहाँ पर जारी है। एआईएसएफ भी वहाँ पर हंगामा कर रहा है। गेट पर चढ़ने की कोशिश की गई थी। कल की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एआईएसएफ के छात्र बीएसईबी कार्यालय के बाहर हैं। वो आनंद किशोर, जो कि चेयरमैन है बीएसईबी के, उनके बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल अभी बिहार में मैट्रिक की कॉपियों को गायब होने का जो मामला है वो काफ़ी बूम पे है। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहिए, हम आपको इस खबर से जुड़ी और बिहार देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। हमारे लाइव सिटीज की यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें।